नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे के लिए टाइम एंड वर्क टॉपिक लेकर के आए हैं। इसके पहले जो भी स्टूडेंट्स पहले का जो टॉपिक नहीं देखे हैं, हम लोगों ने करीब करीब 80% सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो इसके पहले जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो जाके चैनल पर देखिए। हम लोगों ने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज रेशियो, नंबर सिस्टम एंड बहुत सारा टॉपिक, ठीक है भाई, 80% सिलेबस। तो जो भी नहीं देखो जाकर चैनल पर देखिए और सॉल्यूशन को फिल कीजिए। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टिकारी के आसपास जो भी भाई वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो अगर मुझसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है या स्क्रीन पर भी नंबर दे देंगे, फ्लैश करते रहेगा, तो आप उससे भी कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के स्टार्ट करते आज की क्लास को। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, इसलिए क्लास से बने रहिए कॉपी और पेन लेकर के, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहते हैं रियल में तो कॉपी और पेन लेकर के साथ साथ प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि तो खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल आ रहा है आपके सामने, ठीक है, टाइप वन। टाइप वन है, टॉपिक अपना क्या है भाई? टाइम एंड वर्क, समय और काम, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये आपका एनटीपीसी मेंस का आया हुआ सवाल है भाई। अच्छा, पहला सवाल जो कह रहा है आपके सामने कि पारस जो है 40% काम कितना दिन में कर रही है? 8 दिनों में, जबकि दीप्ति और पारस 10% काम एक दिन में कर रही है। तो दीप्ति अकेले कितना दिन में काम करेगी? तो सबसे पहले इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 100% काम, ठीक है, क्योंकि काम करते हैं क्या 100% मतलब मन से काम करने किया जाता है, ठीक है, ये नहीं कि बेमन से, ठीक है भाई। जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं तो मन से पढ़ा रहे हैं 100%, ऐसा नहीं कि 50% पढ़ा रहे हैं 50% आपका रेस्ट में जा रहा है, ठीक है भाई। जो भी काम करना मन से करना है। चलिए, तो 40% भाग जो है 8 दिनों में कर रही है, तो 40% का मतलब कितना होता है भाई? ये हो गया 2/5, 40/100, ये कर रहा है 8 दिन में, तो एक काम कितना दिन में हो जाएगा? एक काम हो जाएगा 20 दिन में। किसका निकल गया? ये निकल गया आपका पारस का, ठीक है, पारस का निकल गया। अच्छा, दीप्ति प्लस पारस कितना है? 10%। तो 10% का मतलब 10% एक दिन में है, तो 100% कितना दिन कर लेगी? 10 से गुना कर देंगे मतलब 10 दिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, दीप्ति पारस का 10 दिन और पारस ले रहा 20 दिन, तो कैसे करेंगे? यहाँ दीप्ति प्लस पारस है, ये पारस है, ठीक है, ये ले रहा 10 दिन, ये कितना ले रहा 20 दिन। तो टोटल वर्क क्या होता है दोनों का एलसीएम? 10-20 का एलसीएम कितना होता है? 20, 10 2 जा 1 जा, ठीक है। ये जो निकालते हैं हम लोग क्या होता है? एफिशिएंसी निकालते हैं। ये क्या होता है? टोटल वर्क होता है, ठीक है। इतना हम लोग मान के चल रहे हैं कि आप लोग का बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस क्लास है, हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए, अब यहाँ देखिए, दीप्ति प्लस पारस का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। अब पारस का एफिशिएंसी कितना है? 1 है, ठीक है। तो दीप्ति का कितना हो जाएगा? 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो टाइम जो होता है क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। तो दीप्ति का पूछ रहा था, दीप्ति का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? टोटल वर्क कितना है अपने सामने? 20 है। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, मतलब कितना ले लेगी दीप्ति? 20 दिन ये भी ले लेगी खत्म करने में, ठीक है भाई, क्लियर है। पहला क्वेश्चन कौन सा है? ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको मस्त तरीके से? कुछ नहीं करना है, पहले निकालना है कि दीप्ति प्लस पारस का 100% का काम और पारस का 100% मतलब कितना दिन में कर रहा है। यहाँ से क्या करना है? टोटल वर्क जो होता है दोनों का एलसीएम, और यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लिए। अच्छा, दीप्ति प्लस पारस का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। यहाँ पर कितना पारस का? 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? दीप्ति का 1 एफिशिएंसी आ गया। तो टाइम जो होता है टोटल वर्क को हम लोग एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, यही मेरा आंसर आता है, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन डन है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होते चल जाएगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए और सोल्यूशन को एंजॉय करते रहिए। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है, बहुत बढ़िया सवाल दिया हुआ है रेलवे में, ठीक है भाई। नमिता अकेले किसी काम का 33.1% भाग 16 दिन में पूरा करती है, ठीक है, और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है, ठीक है। तो संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूर्ण होता है, तो नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है? बहुत सारा रामायण कहानी है, चलिए इसको देखते हैं क्या है। अच्छा, नमिता क्या है? 33.1% अच्छा, 33.1% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3,
ये मेरा नमिता का आ गया सेकंड क्वेश्चन है। अरे बोर्ड पर एकदम ध्यान देते रहना, एकदम टाइम पर एकदम हलवा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 33 पूर्णांक के बाद 3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3, तो 1/3 जो है कितना दिन में करती है ये 16 दिन में, तो एक काम कितना में कर लेगी 48 में, 48 दिन में, ठीक है। निकल गया हमको नमिता का, ठीक है। अब अगर शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है, ठीक है, तो संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूर्ण होता है। अच्छा शेष काम, अच्छा 1/3 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचेगा 1-1/3, क्योंकि जो टोटल काम होता है कितना होता है 1 होता है, तो 1-1/3 हो गया, तो रेस्ट काम कितना बच गया 2/3। इसको कर रहा है कितना दिन में, ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है अपना बॉबी भाई, ठीक है, ये बॉबी, बॉबी देवल, ठीक है। तो ये कर रहा है कितना दिन में 2/3/28 दिनों में, संपूर्ण काम 28 दिन में पूरा होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है एकदम ध्यान से, अगर जो नमिता 16 दिन कर चुकी है तो जो काम बच गया है, तो टोटल दिन, अगर टोटल काम 28 दिनों में पूरा हो रहा है तो 16 दिन तो यहाँ पर काम हो गया, तो बचा कितना 28-16 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, ठीक है भाई। तो 28-16 कितना हो जाएगा, तो 28 टोटल 28 दिन में काम खत्म हो रहा है, 16 दिन काम नमिता कर ली, तो कितना काम बच गया 28-16 12 दिन, जो बच गया काम वही ना करेगी, ये बॉबी करेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे एकदम ध्यान देना बढ़िया से, ठीक है। क्वेश्चन टू स्टर थोड़ा सा, तो एक काम यहाँ से कितना में कर लेगा सतनी का 18 दिन में, ठीक है। नमिता का निकल गया, बॉबी का निकल गया। अब क्या सवाल में कह रहा है कि नमिता और बॉबी एक साथ काम करते हुए मूल कार्य का 11/16 काम, अच्छा तो पहले इसका निकाल लेते हैं कि टोटल जो काम है कितना दिन में कर रही है लोग। तो यहाँ पर मेरा क्या है नमिता, अच्छा यहाँ पर नमिता है, बॉबी है, ये कितना है 48 दिन, ये कितना है भाई 18 दिन। इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 6 × 48 = 18, तो इसका एलसीएम कितना बन जाएगा भाई 48 × 96 144 बन जाएगा, इसका एलसीएम 144, ये हो जाएगा 3 बार में चला जाएगा, ये कितना बार में 8 बार में, ठीक है। तो इसका जो टाइम जो होता है, काम है टोटल मेरा कितना 144 है, इसका करना है कितना 11/16 काम, टोटल काम हमको नहीं करवाना है, 11/16 ही करवाना है, किससे करवाना है नमिता और बॉबी से। तो एक दिन में 3 काम कर लेती है, अब बॉबी कितना करता है 8 काम, तो दोनों मिला कितना कर लेगा 8 × 3 = 11। अब यहाँ काटिए 16 × 44 = 11 कट गया, कितना लगेगा जी दोनों मिला के 9 दिन। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, आ रहा है ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है भाई, क्लियर है सबको मस्त तरीके से। चलिए अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि इतना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आप लोग खुद समझ रहे हैं, एकदम 47-48 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, एकदम पूरा पसीना आ रहा है, ठीक है भाई। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर सबको, चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेले उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है, तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। अच्छा क्या क्या सवाल है, लेकिन लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन को उड़ाना है, ठीक है। अच्छा ए प्लस बी कितना में कर रहा है जी 12 दिन में, ठीक है। ए प्लस कितना में कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। और क्या बता रहा है, ए अकेला कर रहा है 20 दिन में, ठीक है, ए अकेला कर रहा है 20 दिन में, अच्छा। बी प्रतिदिन केवल आधा काम करता है, अच्छा। क्वेश्चन में है कि ए प्लस बी कर रहा है 12 दिन में, ए कर रहा है 20 दिन में, और बी जो है केवल आधा काम करता है, ठीक है, आधा दिन काम करता है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि बी कितना दिन काम कर रहा है पहले यहाँ से, तब ना उसका आधा निकालेंगे हम लोग। तो सिंपल से इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा 12-20 का एलसीएम कितना 60 हो जाएगा, तो 12×25=60 यहाँ से बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा एफिशिएंसी कितना जी, बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 5×3=2, ठीक है। इसका एक दिन में 2 काम कर लेगा, लेकिन काम कितना कर, आधा कहीं काम कर रहा है, तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, इसका 2/2 मतलब एक ही एक काम आ जाएगा इसका, क्योंकि पूरा 2 काम नहीं कर रहा, एक ही काम कर रहा है, आधा काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है कि पूछ रहा है कि ए और बी उस काम को मिला कर कितना दिन में करेंगे, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 3, बी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो जो टाइम लगेगा मेरा क्या लगेगा, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी ए और बी का 3+1, ठीक है भाई, समझ में आ गया, एकदम शॉर्ट अप्रोच है 15 दिन, क्लियर है सबको। कुछ नहीं करना, बी का जो हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है, और फिर ए और बी से हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, क्लियर है भाई। क्वेश्चन लैंग्वेज देखने में लगता है बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, लेकिन अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा ए और बी अकेले किसी काम को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
वह एकांतर दिनों में काम करते हैं और पहले दिन 20 काज शुरू करता है, तो काज कितने दिनों में पूरा होगा? ये अल्टरनेट डे वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हम लोग टाइम एंड वर्क का सीपीओ के लिए भी रिकॉर्ड कर चुके हैं क्लास, ठीक है। तो उसमें हम लोग जितना भी सीजीएल और सीपीओ में क्वेश्चन आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो जो अगर टाइम एंड वर्क और देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है भाई। बहुत ज़बरदस्त वीडियो बना है, चलिए देखते हैं। और रेलवे का हम लोग कर ही रहे हैं। अच्छा, ए और बी कितना दिन में कर रहे थे? 30 दिन और 40 दिन में, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ठीक है, सबका फेवरेट टॉपिक होता है ये। 30 दिन ए क्या है, 40 दिन। तो टोटल वर्क मेरा कितना जाएगा यहाँ से? 30 40 कैल्शियम क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 120, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बार में, यहाँ पर कितने बार में? 3 बार में। इफिशेंसी निकल गया। सबसे पहले इफिशेंसी निकालना होता हमको। अब क्या बता रहा है कि एक आधा दिन पर काज करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखिए टाइम वर्क में एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। जो काम करते हैं टाइम लाइन, कि कौन कौन काम कर रहा है, कौन छोड़ रहा है, कौन काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है भाई। तो पहला दिन कौन काम कर रहा है जी? पहला दिन बी काम कर रहा है, ठीक है। पहला दिन बी काम किया, फिर ए काम किया, फिर बी काम किया, फिर ए काम किया, अल्टरनेट डे में, मतलब एक दिन छोड़ छोड़ के। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है? 3 है। और ए का एफिशिएंसी कितना है? 4 है। यही हमेशा क्या हो जाएगा? रिपीट होता चला हो जाएगा। ये क्या होगा? हमेशा रिपीट होता हुआ चला जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 3 काम, यहाँ पर 4 काम, 7 काम। तो 2 दिन में कितना काम हो गया जी? 7 काम, ठीक है। 2 दिन में कितना हो जाएगा? 7 काम। 2 दिन में 7 काम, तो ये क्या होगा? हम लोग का साइकिल चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो 7 का टेबल पढ़िए, 120 के आसपास हमको पहुंचना है। बहुत ही बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं, ठीक है। तो 7 का टेबल पढ़ना है, 120 के आसपास हमको जाना है। तो कितना बार में जाएंगे? तो 15 75 से, ठीक है, 16 77 से, ठीक है, 17 79 से, अच्छा, मतलब 17 अगर जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 119 पहुँच जाएंगे हम लोग, तो 17 इधर भी होगा, तो कितना हो जाएगा जी? 119 काम यहाँ पे हो जाएगा, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 119 के आसपास पहुँच जाएंगे ना हम लोग। 120 के नीचे आसपास पहुँचना है, आगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मेरा लग जाएगा? 34 दिन यहाँ पे लग गया, लेकिन काम मेरा कितना हुआ है? 119 दिन, ठीक है। अब कौन आएगा? अब साइकिल कंप्लीट होते इस तरह ग्रुप बन जाएगा, तो क्या होगा? यही फिर से रिपीट होते हुए चला हो जाएगा, ठीक है। ये जब ग्रुप बन जाएगा 2 आदमी का, तो फिर क्या होगा? ग्रुप बनते बनते क्या होगा? साइकिल बनता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ देखिए, उन्हें 119 काम मेरा हो गया, बच गया कितना? 1 काम। तो अब तो फिर से भी आ जाएगा, लेकिन बी का जो एफिशिएंसी है 3 काम करने का एक दिन में, ठीक है। तो जो मेरा टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा? 34 दिन तो लगे हुए करेगा, ठीक है। अच्छा, इस मेरा काम बच गया है 1, ठीक है। तो जो काम बच गया लिखेंगे ऊपर, और जितना एफिशिएंसी है लिखेंगे नीचे। तो 34 पूर्णांक 1/3 दिन मेरा लग जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ऐसे सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन। देखिए ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है ना, चलिए क्लियर हो रहा मस्त तरीके से। वीडियो में बन रही है, टाइम एकदम हलवा कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट डे वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेट डे पे हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, ठीक। चलिए क्या क्वेश्चन है? पंकज एक काम का 1/5 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, और जगत उसी काम का 1/4 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो उस काज को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं? ये तो बहुत इजी सवाल हो गया, देखिए कैसे। 1/5 भाग 6 दिन में, ठीक है। तो 1/5 भाग है 6 दिन में, तो 1 भाग कितना में कर लेगा जी? 30 दिन में कर लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से 30 दिन निकल गया। ये सब आप प्रैक्टिस होने के बाद क्या होगा, ऐसा माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। ये पंकज का हो गया, जगत हो गया कितना, ये पंकज का मेरा निकल गया। ये सब समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, ठीक है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये जगत भाई साहब कितना में कर रहा है? ये कर रहा है कितना में? 1/4 भाग 8 दिनों में, ठीक है, 1/4 भाग 8 दिनों में। तो 1 भाग कितना में हो जाएगा जी? 8 का 32 दिन में। अब दोनों मिला करके, तो ये तो बहुत ईजी हो गया, तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं है। ये पंकज है, ये जगत है। पंकज कितना में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 32 दिन में, ठीक है। इसका एलसीएम कितना बनेगा? 960 हो गया। तो डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा जी? इसका आ जाएगा 32 96 होता है ना, और ये कितना होता है? 32 96, ठीक है, आ गया इसका एफिशिएंसी। तो जो टाइम मेरा लगेगा वो क्या लगेगा? टाइम जो होता है क्या होता है? टोटल वर्क कितना है मेरा? 960। एफिशिएंसी कितना है दोनों का मिला करके? टोटल 2 और 3 3 6। और यहाँ पर निकाले इसको, काट साट कीजिए। अच्छा, इसको काट साट करेंगे तो कितना से कटेगा? 2 से 31 दूनी 62 होता है, तो जो कि 8 और 1 2 98
कितना आ जाएगा 480/31। अच्छा इसको डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कुछ ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है। इसका ऑप्शन में है इसका 31 का 31 15 पॉइंट कुछ कुछ देगा, मतलब कि ऑप्शन कौन सा मेरा हो गया 15.5 लगभग 15.483 आ जाएगा, मतलब लगभग कितना आ जाएगा 15.5 आ जाएगा। ठीक है चलिए इजी क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं था। ठीक है थोड़ा सा पॉइंट में खाली आ गया और क्या। ठीक है भाई क्लियर है, बन जाएगा सब क्वेश्चन इस तरह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन और 12 दिन पूरा कर सकते हैं, ठीक है वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। ठीक तो काज कितने दिन में पूरा हो जाएगा, देखिए अभी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ए और बी कितना कितना कर रहा है 10 और 12 दिन में, ठीक है ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है कितना दिन में 12 दिन में। अल्टरनेट डे वाला हम लोग अभी डिस्कस किए हैं पहले का क्वेश्चन, इसके पहले का। ठीक है तो उसी बेस पर बनाइए इसको, ठीक है और आंसर दीजिए कमेंट में जरूर। अच्छा 10-12 के टोटल वर्क कितना बन जाएगा, यहाँ पे 60 बन जाएगा, तो जगह 10 6 बार में, यहाँ पर कितना बार में 5 बार में। ठीक है अब क्या बता रहा है इसमें, ए से काम शुरू करता है, ठीक है ए काम शुरू किया, फिर काम किया कौन सा बी किया, अल्टरनेट पर ए करेगा फिर बी करेगा, इसी तरह क्या होता चल जाएगा साइकिल बनते हुए चला जाएगा। काम 6 है और एक दिन काम 5 काम है, तो 6 5 11 काम कर दिया 2 दिन में, तो 2 दिन में कितना काम किया भाई 2 दिन में 11 काम। ठीक है और 11 काम को टेबल पढ़िए 60 के आसपास जाना चाहिए, तो 11 5 55 तो 5 का अगर साइकिल बनता है तो यहाँ पर कितना लग जाएगा 10 दिन यहाँ पर लग जाएगा और ये बन जाएगा 55 काम मेरा हो जाएगा। लेकिन काम हमको और करवाना है कितना 5 और काम है ना, टोटल काम 60 है ना, तो अब आएगा तो ए आएगा तो ए का एफिशिएंसी कितना 6 काम करने का, लेकिन हमको काम करवाना है कितना 5 ही काम करवाना है। ठीक है भाई तो जो मेरा टाइम लग जाएगा कितना लग जाएगा, अभी हम क्या बोले कि जो इतना काम मेरा हो बच जाता है उसको लिखते हैं ऊपर में और जो एफिशिएंसी है यहाँ पे ऐसे। ठीक है कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में 10.5/6 दिन इधर राइट ऑप्शन। ठीक है भाई एकदम शॉर्ट अप्रोच है, ठीक है क्लियर है सबको एकदम इजी तरीका, ऐसे इजी तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पे एनटीपीसी का सवाल है कि एक आदमी और एक लड़का एक साथ काम करते हुए किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करता है, ठीक और कार्य 26 दिन में समाप्त हो सकता है, तो लड़का अकेले कार्य करते हुए उस काम को कितने दिनों में पूर्ण कर सकता है, ये सवाल है। अच्छा एक आदमी और एक लड़का है, ठीक है तो मान लेते हैं कि लड़का करता है 1 दिन, यहाँ पे बॉय जो है वो कर रहा है 1 दिन, ठीक है 1 डे कर रहा है और जो आदमी है सो कर रहा है 1 डे, ठीक है 1 दिन काम करता है, तो दोनों मिला के काम करता है तो कितने दिन में ख़त्म कर रहा है 24 दिनों में। ठीक है दोनों मिलाकर काम खत्म करता है तो करता है 24 दिन में, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/x + 1/y बराबर क्या होता है 1/24 होता है। ठीक है इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं अभी, 1 दिन में एक काम, तो 1 दिन में कितना काम कर लगा 1/x काम 1/y बराबर 1/24 काम। अब सेकंड में क्या बता रहा है, इसमें सेकंड में बता रहा है कि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करता है, ठीक है तो काम 26 दिनों में समाप्त हो सकता है। ठीक है तो अंतिम 6 दिनों में अंतिम क्या है, अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करता है, 6 दिनों में आदमी अकेले काम करता है तो ये काम किया जो लड़का किया तो 20 दिनों काम किया। अच्छा अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज में थोड़ा सा खेला कर दिया, क्या खेला किया है, बोला कि जो अंतिम यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले काम करता है, जो आदमी है वो अंतिम 6 दिन में अकेले काम करता है, ठीक है तो काम 26 दिन में समाप्त हो सकता है। ठीक है तो जो लड़का होगा अंतिम खाली 6 दिन अकेले काम किया तो लड़का कितना दिन काम किया, टोटल काम अगर 26 दिन में ख़त्म हो रहा है तो लड़का 20 दिन में काम किया तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/x, ठीक है और आदमी किया एकदम लास्ट तक, मतलब कि 26 दिन में काम ख़त्म किया तो 26/y, ठीक है बराबर इसको एक बटा एक हो जाएगा, एक काम टोटल काम कितना होता है, एक ही काम होता है, इस लाइन को समझना होगा। ठीक है पहले क्योंकि
लैंग्वेज में थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया हल्का सा, ठीक है भाई, इसको ध्यान देना पड़ेगा। अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले काम किया, ठीक है, तो अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले काम किया, इसका मतलब कि टोटल काम अगर 26 दिन में ख़त्म हो रहा है तो लड़का तो 20 दिन में किया होगा, ठीक है, और ये काम किया टोटल 26 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो ये टोटल मतलब लास्ट तक काम करते चला होंगे। अगर यहाँ पर लड़का 20 दिन काम किया है, क्योंकि 6 दिन खाली अकेले आदमी काम कर रहा है, ठीक है, तो टोटल काम अगर 26 दिन में हो रहा है तो लड़का कितना किया, 20 दिन किया, और 26 दिन कौन काम किया होगा, वाई काम किया होगा, क्योंकि वाई क्या है, शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है, तो 26 दिन तक किया होगा, और टोटल काम कितना मेरा एक काम होता है। अब यहाँ से हमको निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है, तो ये पूछा कि लड़का अकेले काज करते हुए इस काम के दिन में पूर्ण कर सकता है, मतलब कि हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ देखिए दो इक्वेशन बन गया, ठीक है भाई, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक, अच्छा इक्वेशन बनाने के लिए हमको एक्स निकालना, तो क्या करेंगे वाई को यहाँ से हटा देते हैं, तो इसमें 26 से गुना कर दें, इक्वेशन वन में 26 से गुना करते हैं, मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 26 बटा एक्स माइनस 20 बटा एक्स, कितना हो जाएगा 6 बटा एक्स हो जाएगा, अच्छा ये दोनों मेरा कट ही जाएगा, अब क्या बनेगा मेरा 26 बटा 24, क्या हो जाएगा माइनस 1, अब यहाँ से 24 को लेंगे एलसीएम तो क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा मेरा 2 बटा 24 बन जाएगा, डायरेक्ट लिखें इसको, अच्छा 2 से काटे 12 बार में, तो यहाँ से एक्स बार कितना आ जाएगा जी, 12 छक 72 दिन, ये एक्स काम को वैल्यू पूछ रहा था, एक्स का वैल्यू निकालने से क्या किया, वाई को हम लोग हटा दिए डायरेक्ट, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से, तो मेरा आंसर कौन सा आ गया, आंसर आ गया ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बेहतरीन क्वेश्चन था, एन टी पी से का क्वेश्चन था, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, एक्स एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है, वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है तो वह मिलकर बचे हुए काम को 15 दिनों में करते हैं, तो वाई उसी काम को अकेला कितने दिनों में कर सकता है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए खुद से आप लोग, अच्छा एक्स कितना है 25% भाग 20 दिनों में, ठीक है, 25% का मतलब कितना होता है भाई 1/4 10 दिन में, तो यहाँ से एक काम कितना में हो जाएगा 40 दिन में हो जाएगा, जितना आप लोग शॉर्ट बनाइए, ठीक है, आपके हाथ में है, एक्स का निकल गया मेरा, ये किसका निकला है, एक्स का निकला है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है, वाई जो है एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिनों में, अच्छा 1/4 काम मेरा हो गया तो कितना काम बच गया, 3/4 काम बच गया, ठीक है, ये करता दोनों मिला करके एक्स और वाई, ठीक है, तो 3/4 काम जो है कितना दिन में 15 दिन में करता है, ठीक है, तो 3×5=15, तो एक काम कितना दिन में करेगा 20 दिन में कर लेगा, अच्छा तो एक्स कितना में किया 40 दिन में, एक्स प्लस वाई कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, तो वाई काम को निकालना है तो नहीं निकल जाएगा, बहुत ईजी हो गया, कुछ नहीं है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, ये क्या है भाई, सॉरी एक्स प्लस वाई नहीं है, ये है मेरा एक्स प्लस वाई नीचे वाला है और ये क्या है एक्स का है, तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा 40 20 का कितना 40, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2, तो y का जो आएगा टाइम वो क्या आएगा, टोटल वर्क मेरा कितना है 40, अच्छा टोटल मिला के एफिशिएंसी कितना है 2 है और x का कितना 1 है, तो y क्या हो जाएगा 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 दिन आ जाएगा, ठीक है भाई, सबका क्लियर, बस लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन को फोड़ना है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, चलिए एफिशिएंसी बताते हैं, सवाल एफिशिएंसी का सवाल आते रहता है, एफिशिएंसी बेस्ड सवाल है कि ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है, ठीक है, एनटीपी से आया सवाल है, तथा दोनों एक साथ काम करके इस काम को 29 दिनों में समाप्त करते हैं, ठीक है, तो केवल कमल इस काम को कितने दिन में करेगा, अच्छा ईशान कमल है, ठीक है, यहाँ पे ईशान है, ये क्या है कमल है, ईशान का एफिशिएंसी कितना है भाई, कमल से 2 गुना अच्छा है, ठीक है, अगर कमल को एक्स मानते हैं तो क्या हो जाएगा 2x हो जाजाएगा एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब 2:1 है और क्या एक्स मत लिखिए, एक्स नहीं लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, 2:2 हो जाएगा तो 1, ये 2 काम करेगा तो कितना करेगा, ये एक काम करेगा, ठीक है, और दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है 29 दिनों में, तो टोटल वर्क जो मेरा क्या बन जाएगा, टोटल वर्क जो होता है वो क्या होता है टोटल एफिशिएंसी, तो 2 + 1 गुने समय कितना इसको लग रहा है, तो समय जो लग रहा है 29 दिन, ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी 29 + 3 = 87, टोटल काम मेरा कितना हो गया 87 काम हो गया, ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि केवल कमल, तो कमल का क्या हो जाएगा, कमल जो है
इसका समय क्या होता है, समय जो होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क मेरा कितना है 87 बटा कमल का एफिशिएंसी कितना है 1 है, तो टोटल वर्क में अगर एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है मेरा टाइम निकलता है, तो कितना हो जाएगा मेरा 87 दिन हो जाएगा। ठीक है इजी क्वेश्चन सब, चलिए मजा आ रहा सबको क्लास में, टाइम वर्क बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है भाई चलिए, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, ठीक है पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। ठीक है तो P का Q से रेशियो क्या आएगा, इसका टाइम का रेशियो क्या आएगा जी, हम लोग निकालेंगे इसका टाइम का रेशियो, तो हो जाएगा 50% का मतलब क्या होता है 50/100, तो अगर यहाँ पे P लेता है ज़्यादा समय, P लेता है ज़्यादा समय, कौन लेता है P Q की तुलना में, ठीक है तो अगर Q लेता है 2 तो P कितना ले लेगा 3 ले लेगा, 3 ले लेगा। ठीक है अब इसको मिटा देते हैं, तो पी और क्यू का टाइम का रेशियो निकल गया 3:2, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है अपना वो क्या होता है इसका उल्टा होता है, मतलब 2:3 टाइम का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है। ठीक है क्योंकि जो जितना ज़्यादा टाइम लेता है उसका एफिशिएंसी क्या है कम है, तभी ना ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है भाई अच्छा, तो अगर वे एक साथ काम करते हैं तो काम कितना दिन पूरा होता है 18 दिन में, तो टोटल वर्क यहां से मेरा क्या बन जाएगा, जो टोटल जो वर्क बनेगा क्या बनेगा 2 काम 3 काम कितना 5 काम, और 18 दिन में कितना काम करेगा टोटल 18 95 काम। ठीक है भाई टोटल काम मेरा इतना आ गया। ठीक है और क्या बता रहा है इसमें क्यू का, तो क्यू क्या कितना है यहाँ पे, तो क्यू का टोटल वर्क कितना है 90 और क्यू का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3/90 कितना होगा 30 डे। क्लियर है भाई, क्लियर है क्या सबको, चलिए बस इस तरह क्वेश्चन को उड़ाना है। और क्या, राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर किसी काम को 21 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है तो विनोद अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अच्छा ठीक है राजू कौन है भाई, विनोद है अपना, ठीक है ये राजू भाई है, ये विनोद भाई है। ठीक है जी कौन वाला विनोद देख रहे हो ना, विनोद वही वाला विनोद है। ठीक है अच्छा 3 गुना कुशल है राजू, तो इसका अगर 3 काम करेगा तो कितना काम कर लेगा जी, 1 काम कर लेगा। ठीक है एफिशिएंसी का रेशियो दिया है एफिशिएंसी, ठीक है तो राजू का 3 काम है इसका 1 काम है। ठीक है तो 3:1। अब क्या बता रहा है कि टोटल में कितना कर रहा है 21 दिन में, तो टोटल वर्क कहाँ से निकालना पहले, तो टोटल वर्क जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 3+1 टोटल एफिशिएंसी गुने कितना दिन में कर रहा है ये 21 दिन में, तो 21 दिन का निकालता टोटल काम, तो 3×4=84 काम निकल गया टोटल। अब किसका पूछ रहा है भाई, विनोद का, तो विनोद का एफिशिएंसी कितना है 1 है, तो जो टाइम क्या लगेगा टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी कितना है बस 84 दिन। बहुत इजी सवाल हो गया। ठीक है अब क्वेश्चन समान है, ओरल क्वेश्चन बनेगा ये सब। अब तो टाइप 1 हम लोग का हो गया एकदम फिनिश। ठीक है तो सोल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है और कोई जरूरी इंप्रूवमेंट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर टाइम नंबर का पूरा टाइप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा। ठीक है अगर रेलवे का पूरा जो हम लोग का जो आदित्य सर वाला बुक या किसी का बुक, ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब में सेम ही होता है, क्वालिफिकेशन खाली अलग अलग होता है। ठीक है भाई ये आप लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोग जितना भी टाइप है उसको टाइप वाइज कराया जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, तो और रिस्पॉन्स होगा बढ़िया तो हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है भाई और सी पी ओ के लिए हम लोग का चल ही रहा है, चैप्टर भी चल रहा है, मॉक टेस्ट भी चल रहा है, आप लोग कमेंट जरूर करो। ठीक है भाई कमेंट करने से हम लोग क्या होता है और लाइक वाइक करने से क्या होगा हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा कि और हम लोग चैनल पर बेहतर से बेहतर काम करें। ठीक है भाई मैथ्स को इसी तरीके से और पढ़ाया जाए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।